हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हाई वोल्टेज कैपेसिटर। लेकिन क्या आपको मालूम है कैपेसिटर कैसे काम करता है? चलिए समझते हैं। कैपेसिटर बेसिकली दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर से बनता है, जिसके बीच बीच अगर हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर रख दें तभी कैपेसिटर काम करता है। जैसे मान लीजिए दो वायर को अगर हम पैरेलली रन करें, या फिर कोई भी लड़का या फिर लड़की के बीचों बीच एक वॉल काम करता हो। जैसे आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, इस तरफ एक पॉजिटिव और इस तरफ एक नेगेटिव कंडक्टर लिया गया है। अगर उसमें हम पावर सप्लाई दे तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस को अट्रैक्ट करते हैं, तब ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेता है अपने अंदर। सबसे पहले जो कैपेसिटर बनाया गया था वो आज से लगभग 300 साल पहले बनाया गया था, जिसे कहते हैं लेडन जार। तो चलिए इस लेडन जार को बनाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे काम करता है। तो इस लेडन जार को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एक प्लास्टिक का जार को। इसके ऊपर हम इस एल्युमिनियम फॉइल को अभी इसके ऊपर रैप करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए, इसको मैंने चारों ओर से एल्युमिनियम फॉइल से कवर अप कर दिया है और यहाँ पर टेपिंग भी कर दिया है, तो ये पूरी तरह से कवर अप है। तो ये रहा हमारा एक कंडक्टर, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडक्टर बनाना है। इसके अंदर पहले पानी डाल लेते हैं, तो इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। आप लोगों को मालूम ही है पानी कंडक्टिव नहीं होता है, तो इसको कंडक्टिव करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा कंडक्टिव। तो कैपेसिटर के लिए दो कंडक्टर जरूरत पड़ता है, तो बाहर है एक एल्युमिनियम कंडक्टर, इसके अंदर है एक सॉल्ट वाटर कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के, ये दोनों कंडक्टर के बीच में ये जो प्लास्टिक का जार है, ये यहाँ पर आइसोलेटर के काम करता है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक छेद करके यहाँ पर स्क्रू डालेंगे, ताकि ये बंद करने पर पानी के साथ कॉन्टैक्ट पे रहे। तो इस जार के जो कैप है, कैप के साथ मैंने एक कोई भी मेटल का पार्ट को ऐड कर देना है, जैसे कोई स्क्रू भी ले सकते हैं। स्क्रू को इस कैप के अंदर घुसाने के बाद इसके ऊपर ऐसा कोई गोल स्ट्रक्चर लेना है, जैसे मैंने पिंग पोंग बॉल लिया है। बॉल के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को कवर अप करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब भी इस पर हम स्टैटिक चार्ज देंगे तब ये चार्ज को सही तरीके से स्टोर कर पाएगा। और नीचे एक कोई मेटल का वायर दे दिया है, यहाँ पे मैंने कॉपर वायर यूज़ किया है, ताकि ये पानी के साथ सही तरीके से कॉन्टैक्ट में रहे एकदम नीचे तक। उसके बाद इस कैप को ढक्कन को लगा देते हैं अब अभी। तो ये हो गया फिक्स, तो ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर। तो पहले इसको हम स्टैटिक चार्ज देते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं ये प्रॉपरली कैसे काम करता है। स्टैटिक चार्ज देने के लिए एक पीवीसी पाइप को यूज़ करेंगे और एक टॉवल है। इस पर जब हम घसेंगे ना, इस पर फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो मेरे बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए एक ग्राउंड वायर यूज़ करते हैं और इसको भी एक ग्राउंड कर लेते हैं। उसके लिए एक वायर को ऑलरेडी मैंने ग्राउंड कर लिया है, तो इसको हम एक जो बाहर वाला हमारा कंडक्टर है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल, तो इसके साथ एक ग्राउंड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक ग्राउंड वायर मेरे इस हाथ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी में हो गया ग्राउंड वायर और इसके बॉडी में भी हो गया ग्राउंड वायर, ताकि मैं जब भी यहाँ पे फ्रिक्शन करूँगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर आएगा, और ताकि ये टॉवल ऑटोमेटिकली ग्राउंड से पॉजिटिव लेकर एक न्यूट्रल हो जाए, ताकि इसको बार बार हम नेगेटिव चार्ज दे पाए। तो इसको पहले हम लोग 10 स्टॉक लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ इस तरह से। तो लगभग 10 स्टॉक कर लिया है, 10 स्टॉक के बाद देखते हैं कितना पावर इसके अंदर स्टोर हुआ है। तो सिर्फ 10 स्टॉक से ही ये थोड़ा बहुत झटका दे देता है अभी तक। तो इसको अभी मैं बार बार टच नहीं करूँगा, इसके लिए और एक ग्राउंड वायर से कनेक्ट कर लिया है। इस तरह से एक हम लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल से एक बॉल बना लिया है, इसको टच करके देखेंगे। अब हम ट्राई करते हैं 20 स्टॉक से कितना झटका देता है। तो अभी 20 स्टॉक कंप्लीट कर लिया है, तो देखते हैं कैसा झटका देता है। तो वेल, एक कैपेसिटर का तरह काम कर रहा है। सिर्फ 20 स्टॉक दिया था, तो आप लोगों ने देखा इसमें स्पार्क पैदा हो रहा था। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम एक कैपेसिटर भी बना सकते हैं। कि आप लोग देख के इसको बता सकते हैं कि ये झटका भी दे सकता है इतना। तो दोस्तों, अभी हमने 50 स्टॉक्स लगाया है,
अभी देखते हैं कैसा स्पार्क्स देता है। तो 50 स्ट्रोक्स के बाद भी थोड़ा स्पार्क लगभग सेम ही था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था। अब हम ट्राई करते हैं 100 स्ट्रोक्स। 100 स्ट्रोक्स देने के बाद देखते हैं कैसा झटका देता है, क्या किस तरह से स्पार्क निकलता है। तो 100 स्ट्रोक में बहुत ही बढ़िया झटका दे रहा था, तो इसको छूना तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा कुछ प्रैंक आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रोक मत लगाना। लगभग 10 से 20 स्ट्रोक से ही बहुत ही झटका लगता है। 50 या फिर 100 स्ट्रोक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रैंक वीडियो हमारे चैनल पर और भी अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक मैन से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक मैन के जो डिवाइस है उसको कैसे असेंबल किया, उसको कैसे बनाया, उसके बाद उस डिवाइस के सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस को ध्यान पर रखते हुए सारा चीज़ को हम लोगों ने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया है और डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो उस वीडियो को आप लोग चैनल पर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके बहुत से इंसिडेंट भी होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे या फिर घर पे जो ओवन पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आग भी लग सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 से ज़्यादा लाइक करते हैं तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके और भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट आपके लिए लाने वाले हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप घर पर मत ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत रिस्की होते हैं। इसको हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के नॉलेज के पर्पज़ के लिए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को मत ही ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।